सब्सक्राइब करें आर फैशन पॉइंट चैनल को जो बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते दोस्तों, आर फैशन पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। ये मेरे पास बचे हुए फैब्रिक हैं और जिनके कलर कॉम्बिनेशंस को मिलाते हुए मैंने कैटलॉग कुर्ती बनाई है। तो उसकी आसान कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से करते हैं आज हम वो सीखेंगे। ये प्लेन फैब्रिक मैंने लिया है और इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हम अपनी मेज़र के हिसाब से बैक पोर्शन की कटिंग करेंगे। यहाँ शोल्डर लाइन है मेरी 7 इंच, यहाँ आधे इंच तक इस तरह से ड्रॉप लेंगे और लंबाई में हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये मैं अपनी मेज़र के हिसाब से मार्किंग कर रही हूँ, आपको अपनी मेज़र के हिसाब से मार्क करना है। अब यहाँ से हमारी चेस्ट लाइन बनेगी जिसका हमें 1/4 लेना है और उसमें प्लस 1.5 इंच सिलाई का छोड़ना है। यहाँ हम गले की चौड़ाई पे मार्क करेंगे और इन दोनों मार्क्स को इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ जो हमारे आर्म राउंड की लेंथ है उसके बिल्कुल हाफ में हमें एक मार्क करना है और इन दोनों मार्क्स को गोलाई से मिला लेना है। अब यहाँ 15 इंच नीचे आती है हमारी वेस्ट लाइन, यहाँ भी हम वेस्ट का 1/4 करेंगे और उसमें 1.5 इंच सिलाई के लिए छोड़ेंगे। यहाँ से करीब 2 इंच नीचे तक हमें सीधी लाइन लेनी है और उसके बाद इस तरह से आड़ी लाइन से हमें ये मार्क्स मिलाने हैं। अब यहाँ 22 इंच नीचे आता है हमारा हिप लाइन जिसका भी हम 1/4 करेंगे और 1.5 इंच सिलाई के लिए छोड़ेंगे। इन मार्क्स को हमें इस तरह से मिला लेना है। ये कुर्ती की एकदम परफेक्ट मार्किंग है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह मेजर लेने से आपकी कुर्ती की फिटिंग हमेशा परफेक्ट आएगी। क्वेश्चन की कटिंग होने के बाद मैंने इस तरह से ये सिंगल फैब्रिक के ऊपर इसको बिछाया है। यहाँ पे 1/2 इंच करीब सिलाई के लिए छोड़ा है, बाकी हम सेम इसी तरह कटिंग कर लेंगे। यहाँ हम सिलाई के लिए मार्किंग कर लेते हैं। फ्रंट पोर्शन का हाफ साइड कट हो चुका है। अब सेकेंड हाफ में मैं इस तरह से पैटर्न बनाऊंगी, तो उसके लिए ये 4 इंच चौड़ी स्ट्रिप मैंने कट की है और बाकी बचे हुए साइड में ये मैं प्लेन फैब्रिक यूज़ करूंगी और इस तरह से उसे सेट करना है। अब इस तरह से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। कुर्ती की कटिंग के बाद यहाँ मैं एंकर थ्रेड यूज़ करूँगी, तो जिसके लिए मैं ये उल्टे साइड में मार्किंग कर रही हूँ। एंकर थ्रेड के मेरे पहले भी वीडियोस आ चुके हैं, तो उसको किस तरह से बॉबिन में यूज़ करते हैं वो मैंने अच्छे से बताया है और जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। कुर्ती कटिंग होने के बाद आप स्लीव्स की कटिंग किस तरह से लेते हैं देखिए। ये जो हमारा बैक पोर्शन का आर्म राउंड है हम उसकी मेज़र लेंगे। यहाँ मेरी मेज़रमेंट में आ रहा है 10 इंच, तो हमें इससे 1/2 इंच कम लेना है। तो स्लीव्स की चौड़ाई मैं लूँगी 9.5 इंच। ये मेरा स्लीव्स का फैब्रिक है
इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है। यहाँ से हम 9.5 इंच की चौड़ाई लेंगे और लंबाई में आप जितनी भी लंबाई रखना चाहते हैं उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से मैं ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हटा लेती हूँ। यहाँ हम 3 इंच नीचे एक मार्क करेंगे। यहाँ मैंने 1.5 इंच सिलाई के लिए छोड़ा है तो यहाँ भी हम इस तरह से 1.5 इंच पे ये सीधा मार्क लेंगे। यहाँ से इस तरह से आड़ी लाइन लेंगे और इसको इस तरह से बिल्कुल एक सेंटर में मार्क कर देंगे। सेंटर में मार्क करने के बाद यहाँ हमें 1/2 इंच ऊपर की तरफ और 1/2 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है। यहाँ से हम स्लीव का शेप देंगे इस तरह से। अब हम इस स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ एक सेंटर में मार्क करेंगे और स्लीव को खोल के यहाँ से हम कटिंग करेंगे। ये हमारे फ्रंट की कटिंग होगी। अब यहाँ स्लीव की जो भी चौड़ाई है उसमें भी हम सिलाई का छोड़ के और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग होने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। एंकर थ्रेड स्टिचिंग के लिए मैंने ये थ्रेड लिया है जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं। अब इसको हम इस तरह से 5 से 6 बार फोल्ड करेंगे। तो ये इस तरह से दिखेगा। अब इसको हम बॉबिंग में भर लेंगे। कुर्ती की स्टिचिंग स्टार्ट करने से पहले हम ये एंकर थ्रेड स्टिचिंग कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने ये बॉबिंग में एंकर थ्रेड भर लिया है। अब जहाँ पे हमने मार्किंग की है बिल्कुल उस मार्किंग के ऊपर हमें स्टिच करना है। यहाँ स्टिच खत्म होने पे हमें इसको इस तरह से घुमाते हुए और एंकर थ्रेड स्टिच को फिनिश करना है। देखिए इस तरह से एंकर थ्रेड स्टिच हो चुकी है। अब इस तरह से हम बाकी स्टिचेस भी कर लेंगे। इस तरह पैटर्न रेडी होने के बाद यहाँ हम ये 4 इंच चौड़ी जो स्ट्रिप कट की थी उसको हम पहले स्टिच करेंगे। इस तरह स्टिच होने के बाद जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसको भी हम स्टिच कर देंगे। फ्रंट पोर्शन का पैटर्न रेडी होने के बाद अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ चौड़ाई में हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और लंबाई में 5.5 इंच पे। अब यहाँ से हम इस तरह से गोलाई वाला शेप देंगे और करीब 1 इंच तक छोड़ के इस तरह से कटिंग करेंगे। नेक को इस तरह से कपड़े पे पेस्ट करके पहले हम इसको साइड से स्टिच कर देंगे। इस तरह से रफ स्टिच करना है। अब यहाँ हम पहले एक सेंटर में मार्क कर देंगे। सेंटर में मार्क करने के बाद अब फ्रंट पोर्शन पे हम इन मार्किंग को मिलाते हुए और स्टिच करेंगे।
इस तरह नेक की स्टिचिंग होने के बाद बीच में से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और इस तरह से कटिंग होने के बाद पूरी गोलाई में हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं और ध्यान रहे स्टिचिंग पे कट नहीं आना चाहिए। इस तरह से कट लगाने के बाद यहाँ हम किनारे पे एक और स्टिच करेंगे। फ्रंट नेक रेडी होने के बाद बैक नेक को भी हम उसी तरह से रेडी करेंगे। अब देखिए हमें शोल्डर लाइन स्टिच करना है, हम इस तरह से स्टिच करेंगे। तो यहां से हमारी स्टिच इनविजिबल हो जाएगी, देखिए इस तरह से। अब फ्रंट पोर्शन में हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। यहाँ हाफ में हम मार्क करेंगे और अंदर की तरफ करीब आधा इंच इस तरह से हमें गोलाई में मार्क करना है और कटिंग करनी है। इसको मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब ये दोनों कटिंग आमने सामने होनी चाहिए। देखिए दोनों फ्रंट कटिंग हमें इस तरह से सेट करनी है और ये स्लीव्स को अटैच करना है। ये स्लीव्स हमारी अटैच हो चुकी है। अब साइड से हमें अपने मेजर के हिसाब से मार्किंग करनी है और उस पूरे में हमें स्टिच करना है। यहाँ जो हमने हिप लाइन तक मार्क किया है वहाँ उसी मार्किंग के ऊपर हमें स्टिच करना है। स्लिट एरिया बनाने से पहले हमें यहाँ इस तरह से कट लगाना है जहाँ तक हमने स्टिच किया है। अब हम इस फैब्रिक को फोल्ड करके और स्लिट बनाएंगे। इस तरह कट लगाने से स्लिट में भी फिनिशिंग आएगी। इस तरह दोनों साइड की स्लिट को हम फोल्ड करके और स्टिच कर देंगे। स्लिट्स रेडी हो जाने के बाद हमारा कुर्ता कंप्लीट हो जाएगा। कैटलॉग कुर्ती मेरी रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।